करके देखें। आपने पिछली कक्षाओं में साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा है, आइए कुछ सवाल हल करके बचत खाते, आवर्ती जमा खाते और सावधि जमा खाते के अंतर को थोड़ा और समझते हैं। पहला, महेश अपने बचत खाते में 300 रुपये 3 माह के लिए जमा करता है तथा एकता 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 माह में आवर्ती जमा खाते में 300 रुपये जमा करती है। यदि क, बचत खाते में ब्याज की दर 4% वार्षिक तथा आवर्ती जमा खाते में ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो किसे अधिक ब्याज मिलेगा? ख, दोनों खाते में ब्याज की दरें 6% हों तो क्या मिलने वाले ब्याज में कोई अंतर होगा? यदि हाँ तो उसका कारण क्या है? दूसरा, मनीषा 2000 रुपये अपने बचत खाते में 2 वर्ष के लिए जमा करती है जिस पर उसे 4% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है, परंतु रोहन 2000 रुपये 2 वर्ष के लिए अपने सावधि जमा खाते में जमा करता है जिस पर उसे 8% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है, तो दोनों के खातों में 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा? तीनों खातों में अंतर को हम संक्षेप में इस तरह देख सकते हैं। जब हमारे पास पैसा है और आगे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है तब हम उसे बचत खाते में जमा करते हैं, जबकि सावधि जमा खाते में हम तब जमा करते हैं जब हमें यह लगता है कि आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल या किसी निश्चित अवधि तक उस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बचत खाते में जमा राशि जमाकर्ता द्वारा कभी भी निकाली जा सकती है, इसलिए बैंक उस राशि का उपयोग नहीं करता तथा उस जमा राशि पर ब्याज की दर कम होती है, किंतु सावधि जमा खाते में जमा राशि के लिए बैंक आश्वस्त होता है कि वह उस अवधि के लिए उस राशि का उपयोग कहीं कर सकता है, इसलिए इस पर ब्याज की दर अधिक होती है। आवर्ती जमा खाता उक्त दोनों खातों से इस बात में अलग है कि इसमें जमाकर्ता के पास शुरू में अधिक धन नहीं होता, उसके पास बचत की थोड़ी राशि है और वह निरंतर इतनी राशि किसी निश्चित अवधि में जमा कर सकता है। ऐसी स्थिति में आवर्ती जमा खाता एक उपयुक्त विकल्प होता है। इसकी ब्याज दर बचत खाते से अधिक होती है क्योंकि आवर्ती जमा खाता भी किसी निश्चित अवधि के लिए होता है। आइए आवर्ती जमा खाते के ब्याज की गणना को इन उदाहरणों द्वारा समझें।